प्लीज विनय जी प्लीज नो मान्यवर प्लीज प्लीज मान्यवर इनकी इच्छा है, इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं, मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं मान्यवर। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए प्लीज। मैं इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्वम जी, प्लीज स्टेटमेंट नहीं करता। मंत्री जी की बात जा रही प्लीज मान्यवर प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो, मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर, कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए, आप बोले आप बोले आप बोले प्लीज बोले बोले। मान्यवर ये कुत्ते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछ रहे क्या पूछ रहे, कैसे ना बोल सकते हो, ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर माननीय गृह मंत्री जी के ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर प्लीज 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 माने प्लीज प्लीज माने गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड हो जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग, भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंदु रॉय जी, किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर मैं सुनकर लिखा है। वो 60% अंडर ट्रायल्स है OBC SC ST माइनॉरिटी, थैंक यू यही मैं बोला। थैंक यू। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है इसकी जात या धर्म क्या देखना, अंडर ट्रायल जो है वो है कानून की नजर में सब एक समान है, किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी सारे CR सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर, मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन फासिस्ट लेट हिम मान्यवर, मैं ममता दीदी का नाम वापिस लेता हूं।
बैठ जाओ, ले लिया वापिस। माननीय ममता जी का नाम लिया, प्लीज बैठ जाइए। ममता दीदी का नाम मैं वापिस लेके। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा है। बाबा आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए।